हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ज़बरदस्त एक नमकीन स्नैक बनाएंगे, आलू और ये देखिए कुक्ड राइस हैं, जो घर में चावल कुकिंग में बनते हैं ना दोपहर में या डिनर में, जो भी आपने बनाए हो वो बच जाते हैं कभी कभी, तो वो राइस ले लिया है मैंने एक कप। ये एक कप राइस है, कुक्ड है, बने हुए हैं, गले हुए चावल हैं, फीके हैं, जैसे दाल चावल बनाते हैं आप घर में, राइस बनाते हैं लंच डिनर में, वो बने हुए राइस हैं एक कप। और एक कप ये पोहा है, मैंने धो के रख लिया है, वो बहुत अच्छे से इसमें धो लीजिएगा क्योंकि पोहे में अक्सर गंदगी होती है, तो इसको खूब अच्छे से धो लीजिएगा। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एक कप पोहा है। और ये आलू हैं, चार पाँच छोटे छोटे आलू थे, उनको मैंने बॉइल करके कद्दूकस कर लिया है बहुत अच्छे से। और थोड़ी सी सूजी ली है मैंने, तकरीबन 1/4 कप सूजी है। ये चावल का आटा है, हमारा जितना लगेगा हम उतना यूज़ करेंगे, एक कप लिया है मैंने। तो हम इन सबको मिला करके मिक्सी में पीस लेते हैं, आलू, चावल और पोहा। पहले हम चावल और पोहा डालकर पीसेंगे और फिर हम सूजी डालेंगे पीसने के लिए, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पीस लिया है, ये है कुक्ड राइस एक कप, जो मैंने आपको दिखाए थे भीगा हुआ पोहा। पोहा मैंने एक कप भिगोया था, उसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और उसको पानी खूब अच्छे से निचोड़ करके, पूरा पानी उसका निकाल करके, और मैंने वो भी इसमें डाला और 1/4 कप सूजी डाली थी। तो देखिए ये इसमें मैंने धीरे धीरे करके पानी डाल के इसको पीसा है, तो इसमें तकरीबन एक कप पानी लगा है। अब ये हम कद्दूकस किए हुए आलू इसमें मिलाकर एक बार इसको हम मिक्सी में चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से इसको आलू मिला के भी मैश कर लिया है, पूरा मिक्स हो गया है, मिक्सी में चला दिया है, ये बहुत अच्छे से बढ़िया बन गया है, पिस करके एक सार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पहले थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्च, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, थोड़ा सा एक कड़ी पत्ता है, 7-8 पत्तियां हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कतर ली है। इसमें कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ राई, बहुत थोड़ी सी राई डालेंगे हम। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून सांभर मसाला, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हम डालेंगे भुना जीरा 1/2 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा हम डालेंगे सूखी हुई पिसी अदरक 1 टीस्पून, और इनको हम सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डाल रही हूँ। ये मैंने 3/4 कप चावल का आटा लिया है, 1 कप से थोड़ा कम है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ, पूरे में हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और अगर ये स्पून से नहीं मिलेगा तो हम इसको हाथ से मिलाएंगे, लेकिन हम इसमें इसको मिलाएंगे। चावल के आटे से इसमें बड़ी अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है, बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आता है, वैसे बड़े इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है इसको मिलाने में। देखिए पूरा, देखिए अपने में इसमें समेट लिए। बस ये हो गया, अब मैं हाथ से काम करूँगी, थोड़ा स्टिकी होता है, तेल का हाथ लगाएंगे। बस इसी तरह से मैं इसको पूरे को ऐसे समेट लूंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो रहा है, मैं ऐसे ऑयल हाथ में लगाऊंगी। इस तरह से मैं एक पेड़ा हाथ में लूंगी, इसको प्रेस करेंगे ऐसे हाथ में, होल करेंगे बीच में ऐसे, और इसको हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे इस तरह। बहुत तेज नहीं है तेल, कोई बात नहीं, तेज हो रहा है नहीं तो पड़ते ही ये लाल होकर निकलेंगे तो अंदर से आपको कच्चे लगेंगे। तो मीडियम हीट ऑयल में हम इसको डालना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा भी डाल दूंगी, मैं दोनों तरफ से होल कर देती हूँ इस तरह से, ये दूसरा डाल दूंगी। कढ़ाई में मैंने तेल कम लिया है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कढ़ाई का तेल बच जाता है जो यूज़ नहीं होता है फिर, तो हम इसमें उतना ही डालेंगे जितना हमारी कढ़ाई में तेल है या जितनी जगह है, या हम थोड़े छोटे साइज के डालेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएंगे। आप साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस साइज का इसमें डालना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डाल दिए हैं, एक तरफ से लाल हो जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे, अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला थोड़ा सा मैंने पहले डाला था तो सिक गया है एक साइड से, देखिए मैंने पलट दिया है, ये भी मैं पलट रही हूँ, ये देखिए, ये अभी मुझे पूरा सिका हुआ ये वाला नहीं लग रहा है, मैंने बाद में डाला था, इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी रुक जाती हूँ 15-20 सेकेंड। और देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है, और बिल्कुल हल्के गरम तेल में इसको हम डाल सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि फट जाएगा या कुछ, तेज आंच पे मत डालिएगा, ये ऊपर से सिक जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ये देखिए इसको भी पलट दिया मैंने, अब ये सब तरफ से सिक जाएंगे और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये तीन सिकने में तकरीबन 1 मिनट लगता है, दोनों साइड से सिक जाते हैं, 1.5 मिनट में बहुत जल्दी सिकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन देखिए पेशेंस रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी पलटने के चक्कर में बनाने चक्कर में ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए कितना अच्छा सिका है एक साथ, तो एक साइड में आप 1 मिनट सेकेंगे, दूसरी साइड में 1 मिनट, तो ये एक तरह से 2 मिनट लगे, तो ये मतलब 2-2.5 मिनट में टोटल बन जाता है सिक करके। लेकिन हाँ, आप जो सोचें कि देखिए एक साइड से भी कच्चा है ना, बिल्कुल नहीं सिका है, तो हम जल्दबाजी में से नहीं निकालेंगे, मैं इसे सिकने दूंगी। तब तक मैं हाथ चिकना करके फिर से इस तरह से फिर एक पेड़ा लूंगी, ऐसे गोल कर लूंगी इस तरह से, और हाथ से प्रेस करूंगी ऐसे, और इसमें ऐसे होल करूंगी, इस तरह से होल करूंगी, और इसमें मैं धीरे से डाल दूंगी। फिर मैं इसको देखिए इस तरह से करूंगी, हाथ से प्रेस करूंगी, फिर ऐसे होल करूंगी इस तरह से, और मैं ऐसे डाल दूंगी। ये वाला देखिए बन गया है, इसको मैं अब निकाल दूंगी। ये सिक रहे हैं, इसमें मैं एक और डाल सकती हूँ, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ बना करके। फिर से इसको देखिए ऐसे गोल किया मैंने, प्रेस किया, ऐसे होल किया, पलट के भी कर लिया एक साथ, और मैं इसको ये देखिए बस अब इसको हम ऐसे फ्राई होने देंगे धीरे धीरे एक साइड से पूरा, और फिर हम इसको पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब मैं इसी तरह अपने सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राइस के कितने अच्छे बने हैं, रिंग पकौड़ाज, और आप रिंग स्नैक्स कह सकते हैं, रिंग्स कह सकते हैं, रिंग बड़ा कह सकते हैं, और ये इतने लाजवाब और टेस्टी होते हैं कि आप जब खाएंगे और खिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप में बड़ा यूनिक है इनका टेस्ट और इनका फ्लेवर। तो आप ज़रूर बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आपका अनुभव।
तो अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप अनूठी पे विजिट करते रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।